दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रोशन आप सभी दोस्तों के लिए लेके आऊंगा एक बहुत ही सुंदर सी कहानी रोशन 760 गैलवे चैनल के माध्यम से। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है दोस्तों, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, बहुत बड़ा, जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों ये कहानी वो हर व्यक्ति सुने होंगे जो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई किए हैं। ये कहानी हमारे बचपन की है। कहानी बड़ी छोटी है लेकिन दोस्तों इस कहानी में छुपा हुआ संदेश बहुत बड़ा है, संदेश बहुत बड़ा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वो कहानी। कहानी है दोस्तों एक ऐसे मंद बुद्धि बालक का जो कि पढ़ने में बाहर बड़ा कमजोर था, बड़ा ही कमजोर था। नाम था भरतराज। बहुत सारे लोग बोले समझ गए ये वो कहानी है। जो लोग सुने होंगे वो तो समझ गए होंगे, जो लोग नहीं सुने हैं ना सुन लीजिए गौर से। और यदि आप सुने हैं तो आज आपका रिवाइज हो रहा है, बचपन की चीजें रिवाइज हो रही है, ध्यान से सुनिए। बड़ी ही अनोखे अंदाज में मैंने बताने की कोशिश किया है ताकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव का कारण बन सके ये कहानी, क्योंकि कहानी हमारी बचपन की है लेकिन हम भूल गए हैं उसके संदेश को, उस संदेश को हम दोहराते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों वो भरतराज बहुत ही मंद बुद्धि का बालक था जिसे कमजोर बुद्धि कहा जाता है, जिसको कुछ याद नहीं रहता, पढ़ता है भूल जाता है, पढ़ना ठीक से नहीं आता, ऐसे कमजोर बुद्धि का। माता पिता बड़ा परेशान होते हैं, उसे एक आश्रम में छोड़ देते हैं, उसे आश्रम में छोड़ देते हैं और आश्रम में वो कहते हैं कि आप पढ़ो, पढ़ते पढ़ते यहाँ पे तेज हो जाएगा। तो पहले के जमाने में होता था क्या, गुरु जी के आश्रम में ही लोग रहते थे, जंगल में हो या फिर जहां पे कुछ की कुटिया होती थी वहां पे लोग जाते थे, बच्चे वहीं पे पढ़ते थे, भिक्षा अर्जन करके लाते थे, भिक्षा मांग के लाते थे और उसी पड़ोसी गांव से, और उसी का भोजन पकाते थे। गुरुजी शिष्य लोग सारे लोग मिलके खाते थे, शिष्य हो गुरु हो सभी लोग जाते थे भिक्षा अर्जन करने के लिए और लाते थे और उसी को खाते थे। तो ऐसे ही चलता था जीवन और सुबह शाम स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, तो जीवन ऐसे ही चल रहे थे। सभी विद्यार्थी बड़ा ही तेज थे, बड़ा होनहार थे, धीरे धीरे सब सीख रहे थे, सब सीख रहे थे, लेकिन भरतराज को बड़ा वक्त लगता था किस चीज को सीखने में, और जो सीख भी जाता था ना कुछ दिनों के बाद ही भूल जाता था। उसके गुरुजी बड़ा परेशान हुए, एक समय आया तो बोला कि मैं तुझे सिखाते सिखाते मैं थक गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम सीख पाओगे, तुम ना वापस चले जाओ, अपने घर चले जाओ, घर में खेती बाड़ी में माता पिता का हाथ बटाना, जो तुम कर सकते हो वो करना, तेरे बस की पढ़ाई नहीं है, तुम चले जाओ वापस। भरतराज बड़ा परेशान होता है कि माँ बाप ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे यहां भेजा था लेकिन क्या करें, चले जाते हैं, अब मेरा माइंड ही कमजोर है तो मैं क्या करूं। जाहिर सी बात है हर लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी सोचता है कि मैं जब इस लायक हूं ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास पैसे है ही नहीं जीवन में तो मैं बिजनेस कैसे करूं, मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं ये काम कैसे करूं, मैं ये इलाज मेरे घर में जो बच्चे का बीमारी है जिसमें लाखों खर्च मैं कहां से करूं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी रियल अभी की परिस्थिति को लेकर के लोग जज करते हैं कि नहीं इस वजह से ये नहीं हो सकता। वो भी सोचता है कि मैं तो कमजोर बुद्धि का हूं तो मेरे से तो पढ़ाई होने वाला नहीं तो मैं चला जाता हूं। वो चला जाता है पोटली में, कुछ गुरु जी देते खाने पीने के लिए, वो जाता रहता है। जाते जाते संध्या पड़ जाती है, वो एक जगह रुकता है, अंधकार होने वाला रहता है, एक जगह वो रुकता है पोटली खोलता है, खाने लगता है, खाते 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 उसे प्यास लगती है। जब अगल बगल देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, बगल में कुआं दिखता है, वो कुआं में जाता है, कुआं से बाल्टी कुएं में डालता है, पानी खींचता है, पानी पीता है। जब वो वापस लौटने लगता है ना, एक चीज देखता है वो बड़ा मतलब ताजुब होता है उसको ये चीज देख करके, कभी अब्सॉर्ब नहीं किया होता उस चीजों को लेकिन आज अब्सॉर्ब करता है उस चीजों को, क्योंकि परेशान तो पहले से था क्योंकि पढ़ाई की उम्मीद से गया था और पढ़ नहीं पाया। तो वो देखता है कि जहां से वो उन्होंने रस्सी खींची ना, वो रस्सी जहां से खींच रहा था उस पत्थर पर निशान पड़े हुए थे, जहां जहां से वो रस्सी गई थी गाढ़ा पड़ गया था, यानी जितनी मोटी रस्सी है उतना ही गाढ़ा निशान पड़ गया था। रस्सी को छुआ बड़ा कोमल, पत्थर को छुआ पत्थर बड़ा हार्ड, अब पत्थर इतना हार्ड रस्सी इतनी कोमल लेकिन उस पत्थर पर निशान पड़ गए। वो बड़ा सोच में पड़ा, एक पतली सी रस्सी इस पत्थर पर निशान डाल सकती है और इसे इतना गहरा निशान डाल सकती है, कोमल रस्सी पत्थर पर इतना गहरा निशान छोड़ सकती है। बड़ा उसे ताजुब लगा और वो सोचा कि जब ये कोमल रस्सी इस पत्थर पे निशान बना सकती है तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूं। ये कोमल रस्सी जब पत्थर पे निशान बना सकती तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरे से पढ़ाई क्यों नहीं होगी। ये बार बार रस्सी आया है गया है, आया है गया है, एक बार नहीं हजारों बार आया है गया है, लाखों बार आया है गया है, तब जाकर के इस पे निशान पड़ गए हैं। यदि मैं भी किसी चीज को बड़ा बड़ा अध्ययन करूं, लगातार अध्ययन करूं तो मैं जरूर पढ़ सकता हूं। इसके ऊपर एक बड़ी सी सुंदर सी श्लोक है, करत करत अभ्यास जर्मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाट पे सिल पर पड़त निशान, ऐसे कुछ करके एक हो सकता है मेरे श्लोक जो है बेहतर ना हो पाए हो लेकिन यही है, करत करत अभ्यास जर्मत हो तो सुजान, रसरी आवत जाट पे सिल पर पड़त निशान। मतलब एक रस्सी को बार बार आने जाने से सिल पर पत्थर पर निशान पड़ सकता है, तो यदि मैं किसी चीज का बराबर अभ्यास करूं तो मैं भी पढ़ाई कर सकता हूं। वापस चला जाता है गुरुजी के आश्रम, पढ़ता है,
पढ़ता है और खूब पढ़ता है और इतना पढ़ता है कि बाद में एक बहुत बड़ी कवि के रूप में लोगों के सामने आते हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में कभी ऐसा होता है ना, जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना, कुछ बन रहे होते हैं ना, कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, एक बार दो बार तीन बार कोशिश करने के बाद हमें लगता है कि वो चीज नहीं मिलता है तो हमारे मन में निराशा पैदा होती है। दुनिया को भी लगता है, हमारे माँ बाप को लगते हैं, हमारे पहचान वाले लोगों को लगता है, नहीं ये काम इसके बस की नहीं है, ये चीज ये कर ही नहीं सकता, ये पढ़ाई कर ही नहीं सकता, ये बिजनेस कर ही नहीं सकता, ये नौकरी पा ही नहीं सकता, ये खेल ही नहीं सकता क्योंकि पैर नहीं है, बहुत सारी चीजें दोस्तों ये कर ही नहीं सकता। और मुझे भी लगता है जब दुनिया कहने लगती तो मुझे भी लगता है ना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन दोस्तों ये सत्य है कि दुनिया में कोई भी काम कोई एक इंसान ने कर दिखाया है, मैं बहुत सारी वीडियो में बताया हूं, कोई भी काम किसी एक इंसान ने कर दिखाया है तो उस काम को दूसरा इंसान भी कर सकता है। चंद्रमा पर कोई चढ़ गया तो दूसरा भी चढ़ सकता है, मंगल ग्रह पे कोई जा चुका है तो दूसरा भी जा सकता है, माउंट एवरेस्ट पे कोई जा चुका है तो दूसरा कोई भी जा सकता है। क्लियर दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब, वो हर काम कर सकते हैं जो काम को करने का आपके दिल के अंदर में इच्छा है। इच्छा मर गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इच्छा खत्म तो कुछ नहीं हो सकता। यदि इच्छा पाने की है और लगातार प्रयास किया जाए तो उस पत्थर की तरह, जब पत्थर पे कोमल लस्सी से निशान पड़ सकता है तो आपकी लगातार प्रयास आपके जीवन में सफलता का कारण बनेगा। आपकी लगातार प्रयास दोस्तों, प्रयास कभी मत छोड़िए, मेहनत करना कभी मत छोड़िए, मेहनत करना कभी मत छोड़िए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए, अपना 100% देके करते रहिए, जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर कीजिए। नहीं होता है सीखिए तब कीजिए, सीखिए तब कीजिए, सीखिए तब कीजिए, बगैर सीखे हुए मत कीजिए, आप जरूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों ये बचपन की कहानी है लेकिन कारगर उतनी ही है जितनी की आज हम लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल करके जी रहे हैं। स्ट्रगल करने के बाद भी जो नहीं मिल पा रहा है उस चीजों को पाने का ये कहानी बहुत बड़ा मोटिवेशन का स्रोत बन सकता है हमारे आपके लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी और अपने जीवन में आज के बाद ना नहीं लाएंगे, जीवन में ये करना है तो करना है और आप करके रहेंगे, ऐसा दिल में विश्वास पैदा करके उस काम को 100% देके करेंगे, आप जरूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।